हेलो एवरीवन, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कॉमन फॉल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम बैट को होल्ड करते हुए यानी कि बैट को ग्रिप करते हुए करते हैं, जिससे हमारी बैटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। एक्चुअल में ये बहुत कॉमन थिंग है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गलतियाँ एक्चुअल में ग्रिप में हो रही होती हैं और हम उसको करेक्शन कहीं और करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कॉमन फॉल्ट की वजह से आपके बैटिंग में क्या डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बी हेयर, वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अलॉन्ग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गाइज, मैंने ग्रिप पर पहले वीडियो काफ़ी बना चुका हूं, लेकिन ये मैं वीडियो बना रहा हूं फॉल्ट को बताने के लिए। आपके टॉप एंड का जो ग्रिप है मैंने बता दिया ऐसे होगा, लेकिन बैट्समैन क्या करते हैं, जब बॉटम हैंड को होल्ड करते हैं ना, तो उनका ग्रिप थंब और फिंगर में रिलैक्स रहने के अलावा वो लोग बैट को ऐसे ग्रिप करते हैं। देखो, आप देख रहे हो वीडियो में, मतलब उनका बैट को लिफ्ट करते टाइम ना उनका ये बॉटम हैंड भी फुल चार्ज में रहता है। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो जिससे जब वो ड्राइव मारेंगे ना तो उनका बैट यहाँ पर लॉक हो जाएगा और जिस डायरेक्शन में वो ड्राइव मारने का ट्राई करेंगे ना वहाँ ड्राइव जाएगा नहीं। मेन क्या होता है, आपका बॉटम हैंड ना हमेशा रिलैक्स में रहता है, यहाँ पर भी रिलैक्स रहेगा और शॉट खेलने के बाद भी रिलैक्स हो जाएगा। आपका बॉटम हैंड पता है खाली चार्ज में कब आएगा, जब आप बैट को मूव कर रहे हो और यहाँ पर जब आपका इम्पैक्ट बॉल से हो रहा है। देखो, यहाँ पर मैं स्टांस में खड़ा हूँ, आपको अपना बॉटम हैंड थंब और फिंगर से यहाँ पे होल्ड करना है और पाम का कोई भी हिस्सा, आपके बॉटम हैंड का जो पाम है ना उसका कोई भी हिस्सा बैट के हैंडल को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि बॉटम हैंड की पावर एक्चुअल में कब लगानी होती है। तो मैं बता दूँ आपको, बॉटम हैंड केवल और केवल फोर्स को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, टॉप हैंड आपका शॉट को कंट्रोल करता है किस डायरेक्शन में मारना है, बॉटम हैंड आपका फोर्स जनरेट करता है मतलब ताकत अप्लाई करता है, ठीक है। तो देखो, मेरा अभी बॉटम हैंड अभी रिलैक्स है, पूरा बैट को मैंने टॉप हैंड से पूरा कंट्रोल करके रखा है, ऐसे देखो ये बॉटम हैंड से खाली मैंने लिफ्ट करके रखा है, बैट को होल्ड करके रखा है, मेरा बॉटम हैंड अभी भी रिलैक्स है, अभी भी रिलैक्स है, अभी भी रिलैक्स है, अभी भी रिलैक्स है, अभी भी रिलैक्स है। और अब मेरा बॉटम हैंड चार्ज में आएगा क्योंकि अब यहाँ पर मेरा इम्पैक्ट हो रहा है बॉल का बैट से। एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, देखो मेरा बॉटम हैंड अभी यहाँ फुल चार्ज में, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट बॉटम हैंड फिर से रिलैक्स हो जाएगा। तो बॉटम हैंड आपको क्या करना है, खाली आपको थंब एंड फिंगर से रिलैक्स की पोजिशन में रखना है और इससे तभी फोर्स अप्लाई करना है जब आप शॉट को खेल रहे हो, उसके बाद फिर से रिलैक्स। गाइज, मैं आपको जो अब बताने वाला हूँ ना वो कोई फॉल्ट नहीं है। देखो क्या होता है, जब बिगिनर्स लोग बैटिंग करते हैं ना तो वो टॉप हैंड को और बॉटम हैंड को प्रॉपर ग्रिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो ड्राइव खेलते हैं ऐसे करके, तो उनका जो हैंडल होता है ना, हैंडल का जो टॉप होता है ना, ये उनके रिस्ट पे यहाँ पे लगता है, फोर आर्म पे। आपने अगर बैटिंग कभी करी हो तो आपके यहाँ पे बहुत बार बैट लगता होगा। वो एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि हम जब हम ड्राइव करते हैं ना बॉल को, तो हमारे टॉप एंड की रिस्ट मुड़ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके रिस्ट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है। आप जैसे जैसे बैटिंग करते जाओगे आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव होती जाएगी और आपके फिर बैट यहाँ पर लगना बंद हो जाएगा। देखो वो बैट लगता कैसे है, आपने ड्राइव मारा ये, अब देखो यहाँ से रिस्ट आपकी ड्राइव में ऐसे मुड़ जाएगी, तो देखो ये बैट है ना, बैट देखो आपकी रिस्ट यहाँ पे फोर आर्म पे लग रहा है। तो ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, क्योंकि पहले क्या होता है, आप जब नई नई बैटिंग स्टार्ट करते हो ना तो आपकी रिस्ट में स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये थोड़ा सा हैवी वेट मिल जाए रिस्ट को तो अपने आप मुड़ जाती है और बैट का हैंडल यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। तो कोई फॉल्ट नहीं है, आप अपने रिस्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, रिस्ट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप वो थायरामेंट से लेके अपने रिस्ट को, पैरों में थायरामेंट दबा के रिस्ट को ऐसे अपरेज कर सकते हो, से आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और साथ साथ आपके फोरआर्म की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। गाइस, सेकेंड जो कॉमन फॉल्ट है वो पता है बैट्समैन क्या करते हैं, हम लोगों को अकेडमी में बताया जाता है कि हमारे टॉप हैंड की ग्रिप टाइट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बैट्समैन होते हैं ना बिगिनर, अपने साथ में एक बात और सुनी होगी कि जब हमें स्टांस लेना होता है तो हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होनी चाहिए स्टांस की पोजिशन में, क्योंकि रिलैक्स बॉडी रहेगी ना तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा और माइंड रिलैक्स रहेगा तो बॉल को हम परफेक्ट तरीके से जज कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर बैट्समैन क्या करते हैं, अपने टॉप एंड को ना वो बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, इससे मतलब उनकी ये वाली मसल पूरी स्टिफ हो जाती है। आप देख रहे हो, अगर आप अपने टॉप एंड को ग्रिप करते टाइम ऐसे टाइट करते हो ना तो आपकी मसल स्टिफ हो जाएगी और ये मसल स्टिफ होगी तो आपकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इस हाथ को ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। देखो मेन क्या होता है, हमारा टॉप एंड पूरे बैट को कंट्रोल करता है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो पाम का हिस्सा है ना वो भी बैट पर आ जाएगा ऐसे, तो बैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। आपको इसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइट पकड़ लोगे आपका हाथ ये फोरआर्म टाइट हो जाएगा, शोल्डर टाइट होगा, उससे आपका बॉडी टाइट हो जाएगी और आपको बॉल को फिर जज करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, आपकी अगर किसी एक मसल पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है ना तो आपका पूरा फोकस बॉल पर जा ही नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको टॉप एंड को कंफर्टेबल पकड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना, बॉटम एंड को तो मैंने आपको बता दिया थंब और फिंगर में पकड़ना है। गाइस, ये कॉमन फॉल्ट नंबर 3, ये वाला फॉल्ट ना बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं, बैट को ना
बैट को एकदम बॉटम से पकड़ते हैं यहाँ से, मतलब ठीक है उनको कभी किसी ने अगर बताया ना हो तो उनको जैसा खुद से अच्छा लगता है वो वैसा करते हैं, बैट को एकदम बॉटम से पकड़ते हैं। अब देखो मैं बताऊँ आपको बॉटम से पकड़ने के डिसएडवांटेज क्या हैं। आपने बैट को बॉटम से पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये अब वीडियो में देख रहे हो, अब इससे क्या हुआ, अब इससे आपके बैट पर कंट्रोल तो बहुत हो गया, क्योंकि हमारा बताएं हमारा लीवर अब छोटा हो गया, मैंने बैट को नीचे से पकड़ा है तो अब लीवर छोटा हो गया तो बैट पर कंट्रोल तो बहुत आ गया। लेकिन अब लीवर छोटे होने की वजह से बैट में ना जो ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा पावर से बैट मूव नहीं कर पाएगा। आपने पढ़ा होगा जितना बड़ा लीवर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा। तो अभी हमने बैट को नीचे से पकड़ लिया है तो मेरा जो लीवर छोटा हो गया है और फोर्स कम जनरेट होगा, कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। अगर मैं बैट को, बहुत से बैट्समैन बैट को ऊपर से पकड़ लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लीवर बड़ा हो गया, देखो बैट बड़ा भी लीवर हो गया, आप कभी भी बैट को यहाँ से पकड़ के स्विंग करना तो बैट थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से स्विंग होगा, ये बात आप खुद फील करना। लेकिन लीवर तो बड़ा हो गया, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर हमें कंट्रोल ना, जो कंट्रोल मिलेगा वो एकदम जीरो है। जितना बड़ा लीवर होगा उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा, जितना बड़ा लीवर होगा उतना कम आपको कंट्रोल मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, शॉट खेलते हुए हमें कंट्रोल भी चाहिए और ज़्यादा फोर्स भी चाहिए, ज़्यादा फोर्स से शॉट जाए। तो हमें क्या करना है, बैट के हैंडल को बीच से पकड़ना है, यहाँ से आप वीडियो में देख रहे हो, ये जगह से क्या होगा आपको बराबर जितना आपको एक सफिशियंट जो आपको लीवर चाहिए ना फोर्स जनरेट करने के लिए वो आपको यहाँ से रिसीव कर सकते हो। और एक शॉट को ना प्रॉपर तरीके से मारने के लिए आपको जो बढ़िया से बढ़िया कंट्रोल चाहिए ना बॉस, वो आपको एकदम यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ये तीनों फॉल्ट अपने खुद से चेक करो। अगर ठीक है आपके एकेडमी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर जो आप कोच हैं आपको इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो आप खुद से अपने आप पर चेक करो आप ये गलती कहीं आप कर तो नहीं रहे हो। अपना वीडियो बनाओ बहुत क्लोज व्यू और उस वीडियो को देखो, आपको खुद से पता लगेगा आप गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। गाइस ये जो तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस करे ना वीडियो में, ये पॉइंट बहुत कॉमन है, लेकिन इन कॉमन चीज़ों पर लोग बहुत ही कम बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों पॉइंट अपने आप अपने खुद से देखिए और उनको सही भी करिए, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।